जी, मैं एक टीचर होने के साथ साथ एक एथलीट भी हूँ, तो फिलहाल मैं ये जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। मैं जहाँ से गंगा जी निकली है उसका उद्गम स्थल गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से मैं अपनी यात्रा को प्रारंभ किया हूँ। पहले पूरा उत्तराखंड को पार किया गंगा जी के साथ साथ चलते हुए, फिर गंगा जी के साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश में एंटर हुआ। मुख्य शहर जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, और अभी हम इस वक्त बनारस में हैं। और इसके बाद मैं गाजीपुर की तरफ बढ़ूँगा, बक्सर की तरफ बढ़ूँगा, पटना, फिर उसके बाद पूरा झारखंड पार करते हुए वेस्ट बंगाल में गंगा सागर में अपनी यात्रा की समाप्ति करूँगा। ये जर्नी के मेरे दो मूलभूत उद्देश्य हैं। एक तो हमारी राष्ट्रीय नदी, हमारी राष्ट्रीय नदी होने के साथ हमारी माँ राष्ट्रीय नदी, जैसे गंगा जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रदूषण मुक्त हो, और साथ में जो आप जो देख रहे हैं ये मेरा चलता फिरता घर है जिसमें मेरा 150 किलो का लगेज होता है, जैसे राशन, टेंट, सोलर पैनल। कई बार मुझे रुकने के लिए जगह नहीं मिलती तो जंगलों में ही या वीरान एरियों में टेंट लगा के रहता हूँ, और गांव-गांव में मैं चौपाल बैठाता हूँ ताकि हमारी राष्ट्रीय नदी प्रदूषण मुक्त हो, उसके लिए लोगों को अवेयर कर सकूँ। साथ में मेरा एक अतुलनीय फाउंडेशन नाम की एक NGO है जिसके अंतर्गत आज हम डिप्रेशन ग्रस्त व्यक्तियों को मार्गदर्शन देते हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि लाइफ में कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, आप महत्वपूर्ण हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं रखता। तो अपनी कदर करो, राष्ट्रीय नदी हमारी माँ गंगा की कदर करो। यही उद्देश्य को लेके मैं लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। पुरातन समय में भागीरथ को गंगा पर लाने का प्रयास किया, गंगा जी लेके आए थे हजारों जी वर्ष पहले। कर रहे हैं जी 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 मैं उत्तराखंड राज्य को पार किया, वहाँ पे मतलब देखा जाए तो काफ़ी हद तक शुद्ध है गंगा जी। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में एंटर होती है, सरकार काफ़ी अच्छे प्रयास कर रही है, कई कई जगह उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं जिससे पहले से ज़्यादा अब प्रदूषण मुक्त हो रही है समय के साथ साथ गंगा जी। एक्चुअल में हर व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। मैंने ये देखा है कि जब आप गंगा के पास जा रहे हो, ख़ास तौर पर जो भक्ति के भाव से जाते हैं वो गंगा जी को मिठाई चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पर ये भक्ति में ये भी भूल जाते हैं कि वो प्लास्टिक भी चढ़ा दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है साथ में जी। देखिए सर, अभी हमने यहाँ तक पहुँचने में मुझे 1330 किलोमीटर हो गए हैं, 1730 किलोमीटर, और आगे मैं करीब 2000 किलोमीटर करीब मुझे तय करना रहेगा, क्योंकि मैंने जब प्लान किया था 3000 किलोमीटर का, पर हमारी प्लानिंग प्रकृति के सामने टिक नहीं पाती है तो मेरी डिस्टेंस बढ़ती चली गई और वहाँ पहुँचते हुए 4000 किलोमीटर हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ मैं मार्च के पहले सप्ताह में पहुँच जाऊँ।